सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आज का स्टेटस प्रीव्यू आपको पसंद आ गया होगा तो अपनी वीडियो को लाइक कर देना। एंड गाइज, आपके लिए आज बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो गाइज यार, जो हमारा अलाइट मोशन ऐप था उसका लेटेस्ट वर्जन 4.0 आ चुका है। और गाइज, इसमें काफ़ी अमेजिंग फीचर है। तो उसमें क्या क्या फीचर है, अगर आपको उसकी फुल डिटेल चाहिए होंगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो फिर हमारे चैनल पर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसी पर ऑल फीचर क्या है, कैसे यूज करते हो, वो सब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अगर आपको उसकी रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और यार, ये जो ऐप है वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर इजीली मिल जाएगा। अगर आप अपने टेलीग्राम चैनल पर विजिट नहीं किया है या ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप अपने टेलीग्राम पर जाकर तेजस क्रिएशन YT सर्च कर सकते हो। आज के वीडियो में यूज किया कुछ मटेरियल भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो यार, अभी तक आप अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या आप अपने टेलीग्राम पर जाकर तेजस क्रिएशन YT सर्च कर सकते हो। और यार, अभी तक आपने अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार लाइक कर देना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो यार चलो फिर आज की जो वीडियो है उसके ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले आपको अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर देना है, फिर आपको प्रोजेक्ट में चल जाना है। तो ये जो दोनों प्रोजेक्ट आपको दिख रहे हैं इसको आपको सिंपली इंपोर्ट कर देना है। और यार, लेटेस्ट वर्जन का अलाइट मोशन ऐप का लिंक भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद जो फर्स्ट बिट बुकमार्क प्रोजेक्ट है इसको आपको ओपन कर देना है। तो ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बुकमार्क करके रखा है, तो आप इसके अलावा दूसरा सॉन्ग यूज करके ऐड कर सकते हो। तो यार, इतना हो जाने के बाद आपको शुरू में चल जाना है, फिर आपको प्लस पे टैप कर देना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। व्यूअल में जाने के बाद मैंने सिंपली आपको एक इमेज दिया है, वो इमेज आपको इस तरह से ऐड कर देना है, और आप इस तरह आपके इमेज ऐड करके इस तरह से फुल कर सकते हो। तो इतना हो जाने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे फिल कॉम्पोजिशन एरिया पर टैप कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद आपको मूव एंड ट्रांसफर पर जाना है, इसको आपको इस तरफ राइट साइड में लेके आना है। बराबर यहाँ तक एडजस्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे प्लस कर देना है और सबसे लास्ट में इस तरह से चल जाना है और इमेज पर टैप करके इस तरह इसको फुल कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद आपको मूव एंड ट्रांसफर पर चल जाना है और इसको आपको लेफ्ट साइड में इस तरह से स्वाइप अप करके लेकर आना है, और यहाँ पे भी आपको इस तरह से एडजस्ट कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद इस पर आपको ब्लैक फेड इफेक्ट ऐड करना है। तो ब्लैक फेड इफेक्ट ऐड करने के लिए बैक चल जाना है, फिर आपको ब्लेडिंग एंड ऑपेसिटी में जाना है। सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको कलर दिखेगा, इसको टैप कर देना है, और लुमिनेस आपको सबसे लास्ट में दिखेगा, इस पर टैप कर देना है। और इसकी जो आपको सिचुएशन रखनी है 40 के आसपास रख देनी है, तो मैं 42 रख देता हूँ। तो इतना हो जाने के बाद आपको बैक चल जाना है। तो आप देख सकते हो जो हमारा इमेज है वो ऐड हो चुका है। तो आपको सिंपली यहाँ पे लिरिक्स ऐड करने हैं, तो लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको प्लस पे टैप कर देना है, टेक्स्ट में जाना है और आपको लेयर पर टैप कर देना है, और जो हमारा फर्स्ट लिरिक का फॉन्ट है वो आपको ऐड करना है। तो जो टेक्स्ट लेयर है मैंने ऑलरेडी नोटपैड पे कॉपी करके रखा है, तो आपको नोटपैड पे चल जाना है और जो फर्स्ट टेक्स्ट है आपको इस तरह से यहाँ से कॉपी कर लेना है, और यहाँ आने के बाद इस तरह आपको पेस्ट कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद आपको फॉन्ट पर टैप कर देना है, और जो लेमन मिल्क फॉन्ट है वो आपको मिल जाएंगे, इस तरह आपको ऐड कर देना है। और साइज़ में जाने के बाद साइज़ आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो मैं 80 रहने देता हूँ, और कलर पर टैप करके वाइट ऐड कर देना है और ओके कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद आपको इस एरो पर टैप कर देना है और इसको आपको कट कर देना है। तो जो फर्स्ट लिरिक का टेक्स्ट है वो ऐड हो चुका है। तो इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ शैडो इफेक्ट ऐड करना है, तो इसके लिए आपको लेयर पर टैप कर देना है, बॉर्डर एंड शैडो में जाना है, सबसे लास्ट में आपको शैडो दिखेगा, इस पर टैप कर देना है और इनेबल कर देना है। कलर पर टैप करके कलर आपको वाइट ऐड कर देना है, और इसकी जो साइज़ है आपको 80 के आसपास रख देनी है। तो इस तरह से 80 रख देने के बाद आपको बैक चल जाना है। तो इसको आपको सिंपली इफेक्ट ऐड करना है, तो इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको बैक चल जाना है, और जो हमारा इफेक्ट सेकंड पैक है इस पर चल जाना है। इसके बाद जो सेकंड तेजस क्रिएशन टेक्स्ट दिख रहा है इस पर टैप कर देना है, और आपको इफेक्ट में जाना है और इसको आपको इस तरह से कॉपी कर लेना है। तो इतना हो जाने के बाद आपको बैक चल जाना है, फिर से प्रोजेक्ट में जाना है। तो यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट लेयर दिख रहा है इस पर टैप कर देना है, और इफेक्ट में जाना, इफेक्ट को आपको इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग ऐड करनी है। तो आपको ऑसिलेटर इसको ओपन कर देना है, तो यहाँ पे ऑर्बिट रहेगा तो आपके एंगल कर देना है। इसके बाद आपको नीचे चल जाना है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 180 रहेंगे तो आपको इस तरह से 2 कर देनी है बराबर। तो इतना हो जाने के बाद आपको नीचे चल जाना है, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर रहेगा तो आपको साइन कर देना है इस तरह से,
तो आप देख सकते हो। इतना हो जाने के बाद आपको बैक चल जाना है, फिर आपको मोशन ब्लर में जाना है। यहाँ पे ट्यून 4 रहेंगी और जो पोजीशन स्केल और एंगल है वो डिसेबल रहेगा, तो ट्यून को आपको 1 कर देना है और तीनों को इस तरह इनेबल कर देना है और बैक चल जाना है। तो इतना हो जाने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट लिरिक का टेक्स्ट है वो ऐड हो चुका है। तो आपको सेकंड के लिए इस पर टैप कर देना है, लेयर को इस तरह कॉपी कर लेना है और एरो पर आने के बाद इस तरह यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इस पर जाने के बाद इस तरह इसको आपको कट कर देना है। तो जो सेकंड टेक्स्ट है इस पर टैप कर देना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है और जो हमारा सेकंड लिरिक का टेक्स्ट है वो ऐड करना है। तो इसके लिए आपको कीप नोट ऐप पे चल जाना है और यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ आने के बाद इस तरह से आपको पेस्ट कर देना है और ओके कर देना है। तो यार आप देख सकते हो जो हमारा सेकंड टेक्स्ट है वो भी ऐड हो चुका है। तो आपको इस तरह से जो ऑल टेक्स्ट लेयर है ऐड करना है, तो आपको सिंपल जो टेक्स्ट लेयर है 3.25 सेकंड तक ऐड कर देने हैं, तो मैं कर देता हूँ। सॉरी, तो गाइस जो आपको ऑल टेक्स्ट है वो यहाँ तक 8.1 सेकंड तक ऐड कर देने हैं, मैंने जिस तरह से किए तो इस तरह से आपको ऐड कर देने हैं। तो फाइनली गाइस जो ऑल टेक्स्ट लेयर है वो ऐड हो चुके हैं इस तरह से, तो आप देख सकते हो। इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ आने के बाद इमेज ऐड करना है। तो इमेज ऐड करने के लिए आपको प्लस पे टैप कर देना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। आपको सिंपली जो इमेज ऐड करने हैं आप कर सकते हो। तो जो फर्स्ट इमेज है आप इस तरह से ऐड कर देना है और आपको मूव एंड ट्रांसफर पर टैप कर देना है और आपको साइज़ पर जाना है। तो इसकी साइज़ आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो इसकी साइज़ मैं 60, इसकी जो हाइट है 60 रख देता हूँ इस तरह से, और आपको एरो पर टैप करके इस तरह इसको फुल कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद आपको इस पर इफेक्ट ऐड करना है। तो इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको बैक चल जाना है, इसके बाद आपको प्रोजेक्ट में चल जाना है। तो जो हमारा फर्स्ट आपको टीसी लोगो दिख रहा है इस पर टैप कर देना है, इफेक्ट में जाना है और इफेक्ट को आपको इस तरह से कॉपी कर लेना है। तो इतना हो जाने के बाद आपको बैक चल जाना है, फिर से आपको प्रोजेक्ट में चल जाना है और जो हमारा इमेज है इस पर टैप कर देना है, इफेक्ट में जाना है और इफेक्ट को आपको इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो यार आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग करनी है। तो आपको पल्स साइज पर टैप कर देना है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 150 रहेंगे, फ्रीक्वेंसी 0 कर देनी है और यहाँ आने के बाद आपको ट्रायंगुलर रहेगा तो आपको साइन कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद आपको बैक चल जाना है, फिर से आपको स्विंग इफेक्ट को ओपन कर देना है। तो यहाँ नीचे आने के बाद फेज या फिर 0.20 रहेगा तो आपको इस तरह से माइनस कर देना है और बैक चल जाना है। तो इतना हो जाने के बाद आपको साइन को इस तरह से ऐड कर देना है, तो आप देख सकते हो। इसके बाद आपको रेस पर टैप कर देना है, तो यहाँ पर जो वाई एक्सिस रहेगा इस पर टैप कर देना है, यहाँ 180 रहेगा तो आपको इस तरह से इसको इस तरह से माइनस कर देना है, तो आप देख सकते हो। इतना हो जाने के बाद आपको नीचे चल जाना है। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लेंड है वो 100 रहेगा तो इसको आपको माइनस इस तरह से कर देना है, तो आप देख सकते हो इस पर गोल्डन इफेक्ट ऐड हो चुका है। तो इतना हो जाने के बाद आपको बैक चल जाना है। तो आप देख सकते हो जो हमारा इमेज पर इफेक्ट है वो ऐड हो चुका है। तो इसके बाद आपको इस पर टैप कर देना है, इफेक्ट में जाना और इफेक्ट को आपको इस तरह से कॉपी कर लेना है। तो इतना हो जाने के बाद आपको इस पर टैप कर देना है और जो हमारा सेकंड इमेज है इस पर टैप कर देना है, मीडिया में जाना है, वीडियो में जाना है और जो हमारा सेकंड इफेक्ट आपको ऐड करना है तो इस तरह से आपको ऐड कर देना है। और इसके जो साइज़ है मूव एंड ट्रांसफर में जाने के बाद, स्केल में जाने के बाद, आपने फर्स्ट साइज जिस तरह से एडजस्ट की थी इस तरह से आपको एडजस्ट कर देनी है। तो इतना हो जाने के बाद आपको बैक चल जाना है, इफेक्ट में जाना है, इफेक्ट को आपको इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो यार आप देख सकते हो जो हमारा सेकंड इमेज है इस पर भी इफेक्ट ऐड हो चुका है और इसको आपको इस तरह से कट कर देना है। तो यार गाइस जो और इमेजेस है मैं ऐड कर देता हूँ, तो आपको भी इस तरह से ऐड कर देने हैं। सो फाइनली गाइस, तो आप देख सकते हो जो हमारे इमेज है वो अच्छी तरह से मैंने ऐड कर लिए। तो आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो कितना अमेजिंग हो चुका है। तो इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली इसको इम्पोर्ट कर देना है। तो आपको सेटिंग पे टैप कर देना है और यहाँ पे फ्रेम रेट 30 FPS रहेगा तो आपको 60 कर देना है इस तरह से, और इसकी साइज़ भी आप आपके हिसाब से 4K तक के बढ़ा सकते हो, तो मैं 1080p रन देता हूँ। और आपको इसके बाद बैक चल जाना है और आपको एक्सपोर्ट पर टैप करके सिंपली वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। तो यार अगर आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आ गया होगा तो अपने वीडियो को लाइक कर देना और यार नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही अमेजिंग मिल जाएगा। तो यार जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। तो चलो फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।